हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है यू वर्सेस देम। करंट फीलिंग्स आपकी आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं, मैं ये भी देखूंगी। ठीक है, सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सो जो भी देखोगे रेजोनेट करेगा, जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। पेड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम दोनों आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, सो अपने पर्सन पे आप लोग फोकस रख रहे हैं, बट सबसे पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी आप किस एनर्जी में हो और आपके पर्सन किस एनर्जी में है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट मैं कार्ड देखूंगी, वन कार्ड आपके लिए, वन कार्ड आपके पर्सन के लिए। सो कीप एन ओपन माइंड, दिस इज अ जनरल रीडिंग। आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी तो आगे आपके पर्सन की भी रेजोनेट करेगी। ठीक है, आपकी जो फीलिंग्स फील कर रहे हो वो आपसे रेजोनेट करेंगी तो आपके पर्सन भी वही फील कर रहे होंगे। आप रीडिंग को आगे फिर देख सकते हो। ठीक है, सो मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। सो रिवाइंड गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं करंटली, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं, मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। ओके, सो ये करंट एनर्जी आपकी। अब मैं देखूंगी आपके पार्टनर्स, आपके पर्सन, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है, उसकी करंट एनर्जी क्या है। या ऑल टाइड अप, डेफिनेटली ये पर्सन इस टाइम काफ़ी स्टक एनर्जी में है। 23 इस पर्सन की एज हो सकती है। आपकी क्या एनर्जी है, एंजल ऑफ बैलेंस। डेफिनेटली 48 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपकी एज 48 हो सकती है या 48 नंबर इस पर्सन की एज हो सकती है 48। ठीक है, आपने वैसे लेना जैसे आपसे रेजोनेट करेगा, बिकॉज दिस इज द जनरल रीडिंग, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो गाइज, एंजल ऑफ बैलेंस, डेफिनेटली आप खुद को बैलेंस कर रहे हो। पहले आप इम्बैलेंस थे, बट अब आपने अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट कर लिया है और अब आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो। काफ़ी बैलेंस एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। पहले आप काफ़ी ज़्यादा आप इम्बैलेंस थे, आपको समझ नहीं आ रही थी। अब आपने मेडिटेशन भी किया और मैनिफेस्ट भी काफ़ी कर रहे हो, इसी वजह से आप बैलेंस में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अब आपके पर्सन की देखते हैं, 43 इस पर्सन की एज हो सकती है, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ तो आपका एज डिफरेंस है या आप सेम एज के हो। ये पर्सन जो है इस टाइम काफ़ी फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है और कुछ लोगों के पार्टनर्स टोटली फाइनेंशियली स्टेबल हैं। अब आपको वो ऑफर देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ये पर्सन इस एनर्जी में है कि इसके हाथ में कॉइन है, कि ये टोटली स्टेबल है, काफ़ी मनी है इस पर्सन के पास। इस पर्सन की कुछ लुक ऐसी हो सकती है, ब्लॉन्ड हेयर, कलरफुल आइज, हेजल आइज, ब्राउन आइज। ठीक है, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ऐसी लुक हो सकती है इस पर्सन की। सो ये इस पर्सन की एनर्जी है। आप भी बैलेंस हो चुके हो और बहुत अच्छी एनर्जी है अगर आप बैलेंस हो तो। अगर आप नहीं हो तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है, आप बैलेंस करो खुद को। अब देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, फिर देखेंगे आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। सो रिवाइंड गाइड करें, तो मेरे व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं करंटली, वो अपने पार्टनर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर्स के लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट फीलिंग्स, क्या इमोशंस हैं मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर्स के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया, ये फोर कार्ड आपके लिए आ गया। अब आपके देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं उनके लिए, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली उनके लिए। ये आपके पर्सन की आ गई है। या डेफिनेटली ये पर्सन आइसोलेशन मोड पे है, हर्मिट मोड है, ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग कर रहा है। इस पर्सन का स्टार साइन वीर्गो हो सकता है, आपका वीर्गो हो सकता है। चलें आप देखते हैं कि आपके जो आपकी आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन वी हैव जजमेंट, टॉरस, सैजिटेरियस, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा गाइज आप लोगों ने खुद को बैलेंस कर लिया है। पहले आप काफ़ी इमोशनल थे इस पर्सन को लेकर, बट अब मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है जैसे आप लॉजिकल हो। अब आप काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन करोगे इस पर्सन से, सही आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन करना भी चाहते हो। आप लोग चाहते हो क्लैरिटी, ये पर्सन आपको किसी तरह की क्लैरिटी दे, आपको शायद ये पर्सन किसी तरह का आप सच सुनना चाहते हो इस पर्सन से। ठीक है, इस पर्सन ने आपको पास में तो काफ़ी कोल्ड शोल्डर शो किया है, बट अब आप चाहते हो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करे सही से, जिस चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था इस पर्सन की तरफ से हरमिट। डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया है, पास में बिना बताए आपसे कनेक्शन ख़त्म किया है। तो अब ये पर्सन जो है ना, अब आपको क्लैरिटी आप चाहते हो, आपको क्लैरिटी मिले कि ये पर्सन आपको छोड़ के क्यों गया था।
ठीक है, आप इससे न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इसने जो आपके साथ किया डिवाइन आपके साथ जजमेंट करे, आपके साथ जस्टिस करे, या आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास खुद आए, आपसे रियूनियन करे और आपको बताए कि इस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा है। आप क्लैरिटी चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा यहाँ पे दुआएं कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, ठीक है। आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन से लव करते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपको रोमांटिकली ऑफर करे, बिकॉज आप चाहते हो जैसे आप प्यार करते हो ये पर्सन भी आपसे वैसा ही प्यार करे, इसीलिए आप लोग इस पर्सन की दोबारा एंट्री चाहते हो अपनी लाइफ में। आप न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, आप रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हो, बट आप चाहते हो ये पर्सन आपसे खुद कॉन्टैक्ट करे, इसीलिए आप लोग डिवाइन से जजमेंट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे, आपके साथ लॉजिकल बात करे, झूठ ना बोले, पास्ट में इसने झूठ बोला था, अब आप सच सुनना चाहते हो इस पर्सन के मुंह से, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन, अब इतनी तो एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है, आप क्या फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप रीडिंग को आगे देख सकते हो, बिकॉज आप चाहते हो इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन करना, आप इससे काफ़ी लव करते हो और आप चाहते हो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करे, आपको ऑफर करे, ठीक है, रोमांटिकली आपको ऑफर दे। सो नेक्स्ट वी हैव सिक्स ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, डेफिनेटली दिस इज योर सॉलमेट। सेवन ऑफ कप्स कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, देन वी हैव द चैरियट कैंसर एंड टू ऑफ वांड्स। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है गाइस, ये पर्सन इस टाइम दो सिचुएशंस में है, या तो इस पर्सन के पास दूसरी कोई चॉइसेस भी है, या इस पर्सन के एक साइड पे आप हो, एक साइड पे कोई और पार्टी है, एंड सेकंड थिंग एक साइड पे आप हो और दूसरी साइड पे इस पर्सन का काम है। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन के पास आपके अलावा काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी अलुयन में ये पर्सन रहता है, काफ़ी डे ड्रीमिंग ये पर्सन करता है, काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचता है। ये मेल है, फीमेल है, इसके पास आपके अलावा काफ़ी चॉइसेस हैं, काफ़ी प्रपोजल हो सकते हैं जहाँ से इस पर्सन ने किसी एक पर्सन को चूज़ करना है, बट ये पर्सन स्टिल कन्फ्यूज़ है बिकॉज यहाँ पे बहुत सोच समझ के इस पर्सन ने डिसीजन लेना है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, बट आपसे बहुत प्यार करता है, ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहता है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, दिस इज़ योर सोलमेट। ये पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। द चैरियट, ये पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहता है, जैसे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो ये पर्सन भी स्टिल सेम टू सेम वैसे ही चाहता है कम्युनिकेशन करना, क्लैरिटी देना चाहता है आपको, आपसे क्लियर कट बात करना चाहता है, ठीक है। ये आपका सोलमेट है और डेफिनेटली ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है। आपका कनेक्शन मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है, 6 to 7 years पुराना, यहाँ पे 2 years, 4 years, 5 years पुराना मुझे आपका कनेक्शन लग रहा है। ये पर्सन सोच रहा है, ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है, वेट कर रहा है गाइस, ये पर्सन वेट कर रहा है कि इसकी कन्फ्यूजन खत्म हो और ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले। ये आपका सेम वर्क प्लेस हो सकता है, सेम स्टडी आपने एक जगह पे की है, आपका नेबरहुड हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो, जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन आपका लवर है और ये आपसे बहुत प्यार करता है ये पर्सन भी, ठीक है। आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो मेमोरीज पर्सन ने स्पेंड किया पास में, डेट किया आपने, एक टाइम अच्छा स्पेंड किया टाइम, गोल्डन टाइम स्पेंड किया, तो डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को बहुत मिस कर रहा है। बेसिकली ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, इसीलिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। आप भी विक्ट्री चाहते हो, ये पर्सन भी विक्ट्री चाहता है, दोनों कम्युनिकेशन करना चाहते हो एक दूसरे से, ओके। आप चाहते हो ये पर्सन आपसे सच बोले, तो ये पर्सन भी वेट कर रहा है कि आपसे बात करें। चलें आप यहाँ से मैं कुछ लूंगी कार्ड कि आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। दो कार्ड आपकी तरफ से लूंगी, दो कार्ड आपके पर्सन की तरफ से लूंगी, ठीक है। एंड देन मैं देखूंगी म्यूचुअल फीलिंग्स डिफरेंट एक्स रिव्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के, उनके पार्टनर्स के लिए, उनके पर्सन के लिए, उनके लवर के लिए करंटली क्या फील है। ओके, ये कार्ड आ गया, एक ये आ गया, दो। अब देखते हैं आपके पार्टनर्स, आपके पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। ये कार्ड आ गया हमारे पास व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंटली फीलिंग्स, ये दो। ओके, सो आपका देखते हैं आप क्या फील कर रहे हो। डेफिनेटली गाइस, आप चाहते हो कि ये पर्सन के साथ आपका, आप अपना कॉन्फिडेंट में आ रहे हो गाइज, आप यहाँ खुद को बैलेंस कर रहे हो, बट यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे हो अपना, ताकि आपसे जब इस पर्सन से कम्युनिकेशन करनी पड़े आपको, तो आप क्लियर कट कम्युनिकेशन कर सको, ठीक है। आप इस, आप चाहते हो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, लाइट का कार्ड है, आप स्टिल चाहते हो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपका इस पर्सन के साथ बैलेंस हो, आपके इस पर्सन के साथ हारमनी हो, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, इसीलिए आप चाहते हो कि आपका रियूनियन हो इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके पास आए। हैवीली मुझे लग रहा है कि आप चाहते हो ये पर्सन आपसे बात करे, कम्युनिकेशन करे और आपके साथ रियूनियन करे, बिकॉज आप रेडी हो रियूनियन करने के लिए, बट आप चाहते हो कि न्यू बिगनिंग हो, टोटली ब्रांड न्यू बिगनिंग, पिछली सब बातों को बुला के एक न्यू स्टार्ट, ये पर्सन सोच रहा है। अब देखते हैं ये पर्सन का क्या, अथॉरिटी एंड बेस्ट चक्र। यस, ये पर्सन स्टेबिलिटी देना चाहता है, अथॉरिटी में आके आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, मिलके आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहता है, हो सकता है आप पार्टनर भी हो, कुछ क्रिएट किया हो आपने मिलके,
डेफिनेटली इस पर्सन का क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है और ये पर्सन अपनी पावर बना रहा है, स्ट्रेंथ बना रहा है ताकि आपकी तरफ एक्शन ले सके, आपसे बात कर सके, जो ये पर्सन आपके लिए फील कर रहा है वो आपको कह सके, आप तक उस चीज़ को डिलीवर कर सके। ठीक है, चले अब मैं म्यूचुअल फीलिंग्स देखूंगी, दो कार्ड लूंगी आपकी और आपके पर्सन की, दोनों की इस कनेक्शन के लिए क्या म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स दोनों की इस कनेक्शन के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं, म्यूचुअली क्या फील करते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स इस कनेक्शन के लिए। एक कार्ड आ गया, दो बॉटम ऑफ द डेक क्योर्स, अभी आपकी यहाँ पे टावर मोमेंट चल रहा है दोनों का। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से ख़राब है, आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप लोगों ने देखी हैं इस कनेक्शन में। या रिमाइंडर एंड प्लेफुल, आप दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली बातें करना चाहते हो गाइस और एक दूसरे को बुलाना नहीं चाहते, आप लोग दोनों मूव ऑन नहीं करना चाहते, आप इस कनेक्शन को चाहते हो कि आप दोनों रहो इस रिलेशनशिप में, रहो इस कनेक्शन में रहो। 28 इंपॉर्टेंट है, एज हो सकती है इस पर्सन की आपकी 44, एज हो सकती है आपकी इस पर्सन की 48 है, 43 है। ठीक है, सो डेफिनेटली गाइस आप लोग चाहते हो प्लेफुल एनर्जी, आप रोमांस करना चाहते हो दोनों एक दूसरे के साथ, आप लोग चाहते हो एक दूसरे को रिमाइंडर, एक दूसरे को कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों को एक दूसरे की याद दिलाती हैं, आप एक दोनों एक दूसरे को मिस भी बहुत ज़्यादा करते हो, एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हो, एक दूसरे को बुलाना भी नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। ठीक है, आप चाहते हो वो पर्सन आपसे पहले बात करे, वो पर्सन जाता है आपसे पहले बात करे, बट ये पर्सन स्टिल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, बट ये पर्सन आपसे बात तभी करेगा जब इस कन्फ्यूजन से बाहर आएगा। ठीक है, यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, बट आप लोगों ने गाइस बिल्कुल भी पॉजिटिव रहना है। ठीक है, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, डेफिनेटली आप जजमेंट चाह रहे हो तो आपको जस्टिस जजमेंट ज़रूर मिलेगी, टू कीप मैनिफेस्टिंग, मुझे यहाँ से नज़र भी आ रहा है आप जस्टिस चाहते हो, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने जरूर बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।